सो हेलो गाइज, वेलकम टू गुडविल एजुकेशन, वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर अकेडमिक्स। और स्वागत है आपका हमारे चैनल गुडविल एजुकेशन पे। और आज हम करने वाले हैं अपना 9th क्लास इंग्लिश का एक और न्यू चैप्टर, जो कि है चैप्टर नंबर 3, और इसका नाम है द लिटिल गर्ल। और इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप हमारे से नोट्स ले लें जल्द से जल्द 9th क्लास इंग्लिश के लिए। और उसके लिए आपको हमारे को व्हाट्सएप पे मैसेज करना होगा, और हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, और आप जल्द से जल्द हमसे वो नोट्स ले सकते हैं। और दूसरी चीज़, अगर आपको अपना 9th क्लास इंग्लिश का CBSE का पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो प्लेलिस्ट का लिंक अवेलेबल है, आप उसे ज़रूर चेक कर लें और अपना पूरा का पूरा कोर्स आप हमारे साथ कंप्लीट कर सकते हैं। अब इस चैप्टर को हम स्टार्ट करने वाले हैं, और मैं चाहूँगा कि अगर आप इस चैप्टर को अच्छे तरीके से ख़त्म करना चाहते हो, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चैप्टर में हम किस बारे में पढ़ने वाले हैं। तो एज अ चाइल्ड हमने देखा होगा कि हम अपनी लाइफ के अंदर कई सारे लोगों से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट रखते हैं, और उनमें से एक होते हैं हमारे पेरेंट्स। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो अपने पेरेंट्स को एक डेडली फिगर बना के रखते हैं अपने माइंड में। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके जो पेरेंट्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, और वो अपने पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा डरते हैं। तो यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं एक लड़की के बारे में जिसका नाम है केजिया। और केजिया जो है वो अपने फादर से बहुत ज़्यादा डरती है, यहाँ तक कि उसको ये लगता है कि उसके फादर जो है वो एक जाइंट है, इट मीन्स एक राक्षस है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा बड़े होते हैं। तो मैं आपको ये पढ़ाऊंगा डिटेल समरी के साथ, और इसके जो इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स हैं वो आपकी स्क्रीन पे अवेलेबल होंगे, और आप वहाँ से चाहें तो अपने रजिस्टर के अंदर ब्रीफ नोट्स भी बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम पढ़ेंगे अपने चैप्टर नंबर पैराग्राफ नंबर 1 के बारे में। तो पैराग्राफ नंबर 1 क्या है, लेट्स सी। केजिया वॉज अ लिटिल गर्ल एंड शी फियर्ड हर फादर। मतलब केजिया एक छोटी सी लड़की है जो अपने फादर से बहुत ज़्यादा डरती है, उसे लगता है कि उसके फादर जो है वो एक राक्षस है। वो मैंने आपको बता दिया क्यों, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं, उनका साइज काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, स्पेशली उनकी जो गर्दन है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, और उनका माउथ भी बहुत ज़्यादा बड़ा है। और ज़्यादातर वो क्या करती है, अपने फादर से अपने आप को अवॉइड करती है, हमेशा उनसे बचते रहती है, उनका सामना वो कभी भी नहीं करती। उसका ये भी मानना है कि उसके फादर बहुत ज़्यादा क्रूअल है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं है, ये हमारे को स्टोरी के एंड में जाके पता चलता है। अब आते हैं हम पैराग्राफ नंबर 2 पे। तो केजिया के जो फादर हैं वो ज़्यादातर टाइम अपने ऑफिस के अंदर वर्क करते रहते हैं, और वो ऑफिस जाते हैं मॉर्निंग में। जाने से पहले वो केजिया को एक प्यारा सा किस दे के जाते हैं, और फिर जब वो वापस आते हैं तो उस पर्टिकुलर टाइम पे जो केजिया है वो वेट तो नहीं करती उनका, लेकिन स्टिल उसके अंदर एक फियर होता है, एक डर होता है ना, कि हम अगर अपने फादर से बहुत ज़्यादा डरते हैं तो उस टाइम पे जब तक वो नहीं आ जाते तो हम अपना पूरा का पूरा टाइम इन्जॉयमेंट के साथ खेलते कूदते बिताते हैं। लेकिन जैसे ही उनके फॉर एग्जाम्पल अगर वो बाइक से आते हैं तो उनके बाइक के रुकने की जो आवाज़ होती है वो हमारे दिल के थमजाने का एक रीज़न बन जाती है। तो कहीं ना कहीं ये एक कारण है। तो यहाँ पे जो केजिया है वो अपने फादर को जब वापस आते हुए देखती है तो अगेन शी गेट्स लाइक अफ्रेड अबाउट दैट। शी फेल्ट वेरी हैप्पी व्हेन हर फादर हैड गॉन। और स्पेशली जब उसके फादर चले जाते हैं तो उस टाइम पे उसे सबसे ज़्यादा खुशी होती है। थर्ड पैराग्राफ पे आते हैं। इवनिंग के टाइम पे जो केजिया है अपने फादर के वापस आने पे जब देखती है कि वो बहुत ज़्यादा लाउडली बात करते हैं और बहुत ही ज़्यादा बोल्डली बात करते हैं, तो वो इस चीज़ को देख के काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। केजिया को अपने फादर की लाउड वॉइस से बहुत ज़्यादा डर लगता है, और स्पेशली तब जब उसकी मदर उसे बोलती है कि तुम एक अच्छी बच्ची हो, जाओ केजिया अपने फादर के जो शूज़ हैं उनको उतार दो। और जैसे ही वो रूम में एंटर करते हैं तो वो केजिया को स्टर्नली देखते हैं गुस्से से, और केजिया जो है उसको लगता है कि उसके फादर जो है वो एक हार्ड हार्टेड पर्सन है, इट मीन्स एक कठोर इंसान है। अब चौथे पैराग्राफ पे आते हैं। एक बार उसकी जो ग्रैंड मदर है वो केजिया को बताती है कि तुम्हारे फादर का बर्थडे आने वाला है, और उसका रिलेशनशिप अपने फादर से और ज़्यादा स्ट्रांग हो उसके लिए केजिया की ग्रैंड मदर ने सजेस्ट किया था केजिया को कि तुम जाओ और अपने फादर को एक गिफ्ट देना उनके बर्थडे पे जो तुम अपने हाथों से बनाओगी। तो वो स्टार्ट करती है एक पिन कुशन को बनाना, एक तकिए को बनाना, और वो अपने फादर को उनके बर्थडे पे देना चाहती थी, जिसके लिए उसे कुछ पेपर की ज़रूरत थी कि वो पिन कुशन को स्टफ़ करके उसके अंदर उसको जो थर्ड साइड है उसका वो उसको स्यू कर दे, सिल दे। तो उसे अपने फादर के रूम में कुछ शीट्स मिलती हैं, कुछ पेपर्स मिलते हैं, और उसे लगता है कि ये बेस्ट रहेंगे, और वो उनको फाड़ के उसके अंदर डाल देती है। लेकिन उसको ये बात पता नहीं होती कि वो पेपर्स जो होते हैं वो उसके फादर के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनको उसने फाड़ दिया है। उसके फादर को पोर्ट अथॉरिटी ऑफिस में जहाँ वो काम करते हैं एक स्पीच देनी थी जिसके वो पेपर्स थे, और फिर बाद में उनको पता चलता है कि केजिया ने ऐसा किया है, तो वो उसको पीटते हैं स्केल से, ठीक है।
और केजिया बहुत ज्यादा रोती है, वो ये सोचती है कि पता नहीं भगवान ने फादर्स को क्यों बनाया है, ऐसे फादर्स होते हैं तो होने ही नहीं चाहिए, और कहीं ना कहीं वो अपने फादर से बहुत ज्यादा डरती है। लेकिन बाद में उसे ऑब्जर्वेशन होता है कि सारे के सारे फादर एक जैसे नहीं होते, क्योंकि उसके पड़ोस में एक और पर्सन रहते हैं जिनका नाम मिस्टर मैकडॉनल्ड्स है, और वो अपने बच्चों के साथ बहुत ही ज्यादा हंसी खुशी रहते हैं और वो अपने बच्चों से बहुत ज्यादा अटैच्ड है। तो एक दिन केजिया मिस्टर मैकडॉनल्ड को देखती है, नेक्स्ट पैराग्राफ है, एक दिन केजिया मिस्टर मैकडॉनल्ड को देखती है जो अपने बच्चों के साथ खेलते हैं, उनके स्पेशली 5 बच्चे हैं, और वो देखती है कि केजिया के जो फादर हैं वो कहीं ना कहीं उसके जो फादर हैं वो उसके साथ उस तरीके से क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं करते जिस तरीके से मिस्टर मैकडॉनल्ड अपने बच्चों के साथ करते हैं। तो उसका ये मानना होता है कि वर्ल्ड में डिफरेंट तरीके के फादर होते हैं, और वो विश करती है कि काश मेरे फादर भी ऐसे होते जो अच्छे तरीके से मेरे से बात करते और मेरे साथ खेलते। अब लास्ट पैराग्राफ में मैं आ रहा हूँ जहाँ पे केजिया को ये रियलाइज़ होता है कि उसके फादर भी एक अच्छे इंसान है। तो आफ्टर अ फ्यू डेज केजियाज मदर बिकेम इल, तो केजिया की मम्मी की तबीयत खराब हो जाती है, उसकी ग्रैंड मदर जो है उनको हॉस्पिटल में रुकना पड़ता है, इट मीन्स केजिया की मदर के साथ। केजिया अकेली होती है घर के अंदर और कहीं ना कहीं वो मेड के साथ होती है जिसका नाम एलिस है, यहाँ पे आप देख सकते हो चैप्टर के अंदर, और उसको एक बुरा सपना आता है। हालांकि सोने से पहले वो सोच रही थी अगर मुझे बुरा सपना आया तो क्या होगा, क्योंकि ग्रैंड मदर उसके साथ रहती थी, लेकिन आज जब उसकी ग्रैंड मदर नहीं है और बुरा सपना आएगा तो क्या होगा। तो एलिस जो है वो बोलती है कि तुम चिल्लाना मत और रोना मत, तुम अपने फादर को डिस्टर्ब कर दोगी, और वो डर जाती है और फिर वो बुरा सपना आता है, एंड शी थॉट देयर वाज अ बुचर, ये स्पेलिंग गलत है यहाँ पे, बुचर आप कर लेना, तो भाई बुचर जो है नाइफ के साथ आ रहा है वहाँ पे, और केजिया डर जाती है, और एक रोप के साथ बुचर आ रहा है, कसाई आ रहा है और जो उसको बांधेगा, तो वो डर जाती है और चिल्लाने लग जाती है, रोने लग जाती है, और उस टाइम पे वो क्या देखती है कि उसके सामने एक पर्सन है जो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो पर्सन उसके फादर हैं जो उससे पूछते हैं कि क्या हुआ केजिया, और उस टाइम पे वो सब कुछ बताती है कि बुचर, नाइफ, रोप, वो काफ़ी ज़्यादा डरी हुई होती है, लेकिन उसके फादर उसके पास आते हैं, उसके साथ सोते हैं और वो उसे कंफर्टेबल इन्वायरमेंट देते हैं वहाँ पे। तो कहीं ना कहीं उसे रियलाइज़ होता है कि उसके फादर भी एक अच्छे इंसान हैं, अपनी जो ड्यूटी है जो उनका काम है उसको लेके वो काफ़ी ज़्यादा टायर्ड रहते हैं, और इसीलिए शायद वो एक क्वालिटी टाइम उनके साथ स्पेंड नहीं कर पाते। तो यहाँ पे चैप्टर हमारा खत्म होता है। तो गाइज अगर मैं इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करूँ तो इसके अंदर सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यही है कि जो केजिया है वो अपने फादर से क्यों डरती है, वाई वॉज केजिया अफ्रेड ऑफ फादर, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा कि केजिया का जो एफर्ट था अपने फादर को खुश करने का उनके बर्थडे पे, वो उनको डिसप्लीज क्यों कर देता है, वो पेपर्स की वजह से, ये वाला एक हो गया। और लास्ट में केजिया किस तरीके से अपने फादर को एक अच्छा इंसान वापस समझने लग जाती है। तो आई होप आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और अगर आपको ये चैप्टर अच्छे समझ में आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, इस पे कमेंट जरूर करें, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि सपोर्ट योर ब्रदर एंड इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।